दोस्तों, आज के टाइम में कनाडा अपना मल्टीपल एंट्री वीज़ा हमारे इंडियन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दे रहा है। जो लोगों की नॉर्मल प्रोफाइल भी है और थोड़े से डॉक्यूमेंट उनके ठीक हैं और आपको अप्लाई करने की अगर नॉलेज है, अगर आपको खुद अप्लाई नहीं कर सकते किसी अच्छे कंसल्टेंसी से जिनको दोस्तों पहले भी जिन्होंने अपने वीज़ा अप्लाई किए हैं और उनको सक्सेसफुल वीज़ा मिले हैं, तो उस कंसल्टेंसी से अगर आप अप्लाई करोगे जिनको अच्छी नॉलेज है, तो आप लोगों को आज की डेट में कनाडा का विजिटर वीज़ा मिल सकता है। और इस कनाडा के विजिटर वीज़ा के इतने फायदे हैं कि आप कनाडा तो ट्रैवल कर ही सकते हो, इसके अलावा आप मैक्सिको, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर और भी जो बहुत सारे देश हैं, चाहे अल सल्वाडोर, मेक्सिको, निकारागुआ, कोस्टा रिका, ऑनड्रस, ब्राज़ील की तरफ, तो इक्वाडोर, तो जो भी और भी साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका के जो कंट्री हैं, तो उन कंट्रियों के अंदर भी हम बिना वीज़ा से, क्योंकि कनाडा का मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे हमें वहाँ पे वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इन देशों के अंदर हम कनाडा के मल्टीपल वीज़ा पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, यूके का भी अब जो समर सीजन चल रहा है, तो यूके के अंदर से भी दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को वीज़ा मिलने शुरू हुए हैं, वो भी मल्टीपल एंट्री के साथ। तो बहुत सारे लोग शानगन के भी अंदर अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन शानगन के अंदर ज़्यादातर मोस्टली ये देखा जा रहा है कि थोड़ा सा इस टाइम शानगन उन लोगों को अपना वीज़ा दे रहा है जिन लोगों की प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ज़्यादातर मोस्टली उनको सिंगल एंट्री वीज़ा ही मिलता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा पे सिर्फ यूरोप ही ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन कनाडा के मल्टीपल एंट्री वीज़ा के दोस्तों जो बहुत ज़्यादा फायदे हैं कि आप कनाडा के साथ साथ और देशों में भी ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, कनाडा जो लोग आज की डेट में ट्रैवल करना चाहते हैं, कनाडा का वीज़ा लेना चाहते हैं, दोस्तों आपके अकाउंट में 7 से 8 लाख भी है, ज़्यादा ओल्ड फंड भी नहीं है, वो मेंटेनेंस कैसे करने हैं वो आपको कंसल्टेंसी आपको बता ही देती है। तो आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, अगर आप जॉब कर रहे हो या आपका खुद का बिजनेस है, नॉर्मल प्रोफाइल भी अगर आप अच्छे से लगाओगे, अगर आपके पास इनविटेशन है, तो तकरीबन तकरीबन दोस्तों स्पॉन्सर है तो आपको वीज़ा मिलने के, तो ये समझ लो कि 99% चांसेस हैं। कई बार तो दोस्तों होटल बुकिंग पे भी वीज़ा आ जाता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। तो कनाडा दोस्तों आज की डेट में वीज़ा देने के अंदर बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, लेकिन जो लोग हमारे किसी और देशों के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं, या लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर, मेक्सिको के अंदर, तो मैं कहता हूँ उन अपने भाइयों से, उन लोगों से, कि आप लोग दोस्तों कनाडा का वीज़ा अप्लाई करो। तो कनाडा का वीज़ा लेके आप साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, किसी भी देश में आप आराम से ट्रैवल कर पाएंगे, या फिर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करो। तो यूके के वीज़ा पे भी दोस्तों आप मल्टीपल एंट्री, आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो वो आप यूके के अंदर ट्रैवल करके उसके बाद चाहे साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका की तरफ भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, कि आपकी दोस्तों जो पहले ऐसे होता है कि मान लो कुछ कंट्रियों से आप डिपोर्ट हुए हो और उसके ऊपर स्टैंपें लगी हुई हैं, तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि कई बार ऐसे होता है कि कई लोगों की पीपीआर, पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आ गई है, लेकिन जो पासपोर्ट का जो सिस्टम है दोस्तों, जब वो वहाँ पे जाता है तो कई बार वहाँ से भी दोस्तों अम्बेसी से खाली पासपोर्ट वापस आ जाता है बिना स्टैंप किए। तो इन चीज़ों का छोटा छोटा ध्यान रखना है आप लोगों ने, आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से दोस्तों कई बार वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो दोस्तों आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। कनाडा का लॉन्ग टाइम का वीज़ा होता है, कनाडा का वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर लगते ही आपके पासपोर्ट की दोस्तों वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कनाडा ट्रैवल करके अपने वीज़ा के ऊपर वापस आ जाते हो अपनी होम कंट्री, तो आप लोग उसके बाद में यूएसए का ट्राई करना चाहते हो, तो दोस्तों यूएसए के वीज़ा मिलने के भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो पर्सन कनाडा के अंदर ट्रैवल करके जेन्युइन तरीके से अपनी
होम कंट्री वापस चला गया है, तो वो यूएस भी यही सोचता है कि हमारी कंट्री के अंदर भी ये पर्सन सिर्फ ट्रैवल के पर्पज से आना चाह रहा है, यानी कि या तो टूरिज्म से पर्पज से आना चाह रहा है, विजिटर विजिट के सिस्टम से पर्पज से आना चाह रहा है, तो ये पर्सन अपने यहाँ ट्रैवल करके अपनी होम कंट्री चला जाएगा। तो इससे आपको दोस्तों यूएसए के वीज़ा के भी चांसेस काफ़ी हाई होंगे। लेकिन कोशिश किया करो दोस्तों, जिनका फ्रेश पासपोर्ट है, एज कम है, तो आप लोग पहले 2 से 4 कंट्री पहले ट्रैवल कर लिया करो, उसके साथ ही अपनी जो फाइल है अपनी धीरे धीरे करके उसको मेंटेनेंस रखा करो, कैसे कैसे आपने अपनी प्रोफाइल रेडी करनी है। और साथ के साथ जैसे आप ट्रैवल आइटनरी आपकी बन जाती है, आप कुछ कंट्री घूम लेते हो, उसके बाद जैसे आप कनाडा में अप्लाई करते हो, तो उस टाइम तक आपकी फाइल प्रॉपर तरीके से दोस्तों रेडी हुई होनी चाहिए। तो ट्रैवल करने के बाद 2 से 3 महीने के बाद आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करो। आज की डेट में दोस्तों गोल्डन टाइम है कनाडा का वीज़ा लेने का। तो किसी भी भाई को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करवाना है, किसी भी तरह की कोई हेल्प, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, तो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मुझे एक ही बार के अंदर अपना पूरी प्रोफाइल बताएं, कैसे आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं दोस्तों आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।